वक्त की बड़ी खबर जो क्या रही है लखनऊ से, जहां योगी सरकार ने बढ़ाई है अवनीश अवस्थी की ताकत। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां एसीएस ऊर्जा का अतिरिक्त चार्ज भी अवस्थी को सौंपा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि सीधा आ रही है लखनऊ से। आपको बता दें एम देवराज से प्रमुख सचिव ऊर्जा का चार्ज जो है हटा दिया गया है, और साथ ही मैं आपको जानकारी के लिए बताएं देवराज अब भी सबसे पावरफुल अफसर बने रहेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं जो कि सीधा आ रही है लखनऊ से। आपको बता दें देवराज के पास सीएमडी समेत कई चार्ज जो है वो अभी भी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऐसे देवराज से प्रमुख सचिव ऊर्जा का चार्ज जो है हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां योगी सरकार ने बढ़ाई अवनीश अवस्थी की ताकत। इसी के साथ आपको जानकारी देते हुए बताएं कि एसीएस ऊर्जा का अतिरिक्त चार्ज भी अवस्थी को जो है सौंप दिया गया है। आपको बता इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, हम देखते हैं कि जो योगी सरकार ने है एक तरफ किसी की ताकत हटा दी है, किसी से कुछ ले लिया है, और साथ ही में हमने देखा कि देवराज के पास में सीएमडी का चार्ज भी जो है दे दिया गया है, क्या कुछ खास अपडेट है इस पर? देखिए, अतिरिक्त चार्ज था देवराज जी के पास, और कहीं ना कहीं जिनके चलते उनके ऊपर कई आरोप लगे, और आरोप के बाद लगातार इस तरह की कार्रवाई करते नजर आते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं है, और जिस तरह से देवराज पर आरोप लगे थे और उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई करने के बाद अवनीश अवस्थी अपर प्रमुख सचिव गृह हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है ऊर्जा का। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। ये हम देखते हैं कि देवराज को जो है सबसे पावरफुल ही माना जा रहा है, क्योंकि जितने भी चार्ज है सब उन्हीं के अंडर में आ रहे हैं, क्या कुछ लगता है कि क्या आगे देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अवनीश अवस्थी को लगातार पावरफुल बनाया जा रहा है, प्रमुख सचिव गृह अपर प्रमुख सचिव गृह का भी पद है, और अतिरिक्त उनको ऊर्जा का भी प्रभार दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि उनको लगातार सरकार पावरफुल बनाती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा सकता है चाहते अधिकारियों में भी अवनीश अवस्थी शामिल है। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहरबानी लगातार उन पर बनी हुई है, और जो भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी हैं उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई सरकार करती जा रही है। जी जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर। अब एएनबी न्यूज GOT, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।